हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सभी बड़ों का प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार, और जो लोग मुझे सपोर्ट करके रखे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके मेरे सपोर्ट में रहना और घंटी ज़रूर बजाना। आप लोग घंटी बजाओगे तभी आपके पास मेरा नया नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे, और घंटी नहीं बजाओगे तो नहीं पहुँचेगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा सब कुछ हो पाएगा। तो चलिए, आज है वीरवार, तो वीरवार आज है तो पूजा अभी मैंने किया नहीं। देखो टाइम इतना हो गया है, और अभी टाइम इतना हो गया, सारा काम कंप्लीट करके आज मैं आई हूँ। आपकी रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट था कि मैं पूजा के बर्तन किस तरह से साफ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं कई दिन से नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज करते हैं, इसीलिए मैंने आज लेट हो गया, कल मैंने बर्तन नहीं धो पाई, तो आज ही मैंने कहा कि आज ही शेयर करती हूँ आप लोगों से मैं किस तरह से पूजा का बर्तन धो के साफ़ करती हूँ, कैसे साफ़ रहता है। तो अभी मेरा बर्तन गंदा हो रखा है बहुत, तो मैंने कहा चलो जब ज़्यादा गंदा है तो भी साफ़ करने में मज़ा है, तो चलो यही शेयर करूँगी। पूजा शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, तो मेरे पास स्टैंड भी नहीं है कि मैं रखूं, तो मैं बर्तन तो शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। तो बर्तन वहाँ पे रख के ना मैं किचन में ऐसे फ़ोन रख के ही मतलब दिखाऊंगी। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखो मेरा बर्तन ऐसा हो रखा है, मतलब कितना गंदा, और इस गंदे को मैं चुटकियों में साफ कर दूंगी, मतलब चुटकियों में नहीं, टाइम तो थोड़ा लगेगा ही पर साफ कर दूंगी। तो देखते रहो किससे साफ करती हूँ। तो ये बर्तन में मैंने ले लिया आटा और नमक, नींबू, तो मैं आधा नींबू का रस इसमें डाल दूंगी आटे में, आधा से ज़्यादा डाल दूंगी आटे में, और आटे में इसको डाल के और इसमें नमक डालूंगी। ये नमक डाल दिया, डाल के अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि नींबू का रस थोड़ा कम है, तो और ये बाकी नींबू का रस मैंने नमक में मिला दिया। तो ये मैंने जितना हो सकते थे इतना निकाल दिया, पर नींबू को फेंकूंगी नहीं, अभी उसमें और मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पानी डाल के आटा को मैंने थोड़ा गीला कर दिया। तो अब मैं जितना तांबे का मेरा बर्तन है तो उस तांबे के बर्तन में मैं आटा और नींबू और नमक लगाऊंगी, और जितना मेरा पीतल का बर्तन है उतने में मैं लगाऊंगी नमक और नींबू का रस। बस ये दोनों बर्तन के लिए दो चीज़, वैसे वो साफ़ हो जाते हैं, पर ये जो तांबे का लोटा है ये देखो मैंने रगड़ा तो ये साफ़ हो गया, बस थोड़ा सा रगड़ना है, और ये लेके और इसको रगड़ते रगड़ते ये साफ़ हो जाएगा। तो चलिए बर्तन को धोना स्टार्ट कर दिया, देखते रहिए बर्तन में किस तरह से साफ करती हूँ।
और ये सारे बर्तन मैं धो रही थी, धोते धोते मेरा एक टूट गया है, एक जिसको बोलते हैं आम लोटा पीतल का जो पल्लव, वो जो मैं लोटा में भी रखती हूँ तो वो टूट गया। तो मैंने कहा क्या करूँ, टूट गया तो टूट गया, तो अब मैं सारे बर्तन को उसमें लगा के अच्छी तरह फिर उसको रगड़ दूँगी, और जितनी भी जो नींबू का छिलका था उससे जितना हो सकता है उतना इसमें रफ़ करूँगी, और जो नींबू का आगे पीछे का होता है ना वो भी अच्छा मतलब फ़ायदा होता है, और मतलब उसमें होना ही चाहिए। तो जितना नींबू चाहे बिल्कुल हो, उसका जो छिलका है उससे भी ये साफ़ हो जाएगा। तो मैं जितना हो सकते हैं इसका किनारा लेके उसको लेके उसमें खूब उसका रगड़ूंगी। रगड़ने के लिए मेरे को आज तो मुझे बर्तन धोते धोते पक्का आधा घंटा हो गया, मुझे लग गया इतना टाइम, नहीं तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता, पर आज ज़्यादा ही गंदा हो गया था, आगे नहीं होगा इतना गंदा। तो धो लेती हूँ फटाफट बर्तन को, और इसको देखो ये हो गया। तो अब मैं इसमें साबुन लेके और साबुन और चूना लेके तो इसको अच्छी तरह इसको रगड़ दूंगी। अभी जो आटा मैंने लगा के रखा था ना पहले उनको लगा दूंगी तो अच्छी तरह, तो ये हो जाएगा निकल जाएगा। तो स्टील का एक कटोरी है उसको भी निकाल देती हूँ और करके तो अभी धो दूंगी फटाफट। पानी में डुबा दिया क्योंकि वो सूख जाएगा तो दाग पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने इसको साबुन लगा के जूना से खूब जितना हो सकते हैं मैंने इसको तेज़ी से ही रगड़ा, क्योंकि मतलब तेज़ी से रगड़ेंगे ना तो सही मतलब थोड़ा तो तेज़ लगाना ही पड़ेगा, उतना तेज़ नहीं पर थोड़ा तेज़ लगाना पड़ेगा। पर यह है कि अगर हम साबुन से अगर बर्तन को धोएंगे तो इतना साफ़ नहीं होगा, और जैसे इमली से धोते हैं फिर जो पीतम्बर से धोते हैं वो अलग साफ़ होता है, पर ये जो साफ़ है ये अलग साफ़ है, तो ये बिल्कुल मतलब झटपट साफ़ हो जाता है। बोलते हैं कि मतलब ये इतने अच्छे साफ़ हो जाते हैं, बहुत अच्छा साफ़ हो जाती है इसको। तो मैं कई दिन से सोच रही थी आपके साथ शेयर करूँगी, तो मैंने आज इसलिए इसको शेयर किया, जितना हो सकते मैंने शेयर किया। ये चाहे कितना भी बड़ा बर्तन हो पीतल का आपके पास, तांबे का, तो उतना बड़ा बर्तन भी ये साफ़ हो जाएगा झटपट। आप ट्राई करके देखना उसके बाद मुझे बताना, तो देखो कितना साफ़ हो गया है, 2 मिनट लगता है बस। पर इसमें मेरा काफ़ी दिन का मतलब बर्तन था और फिर ऐसे ही थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छी तरह साफ़ करूं, क्योंकि मुझे फिर कल ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, तो समझ सकते कितना गंदा था, तो 2 मिनट में निकाल दिया मैंने। अब मैं सारे बर्तनों को दोबारा से साबुन से लेके उसको अच्छी तरह वो करके धोऊंगी तो एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए बर्तन को धो लेते हैं अच्छी तरह।
ये दिया को मैं अच्छी तरह क्योंकि ना ये दिया कई दिन का था, तो ये दिए में ना घी बहुत ज़्यादा घी और वो उससे ना चिपट गए पूरे, तो उसको भी मैंने धो दिया। अब धो के मैं साबुन को रख देती हूँ अलग, पूजा का जो मैं बर्तन धोती हूँ ऊपर रख देती हूँ, और रख के अब मैं इस जगह को ना बहुत मतलब गंदा हो गया है मेरा, क्योंकि मैं इसीलिए मैं बर्तन ना पहले दिन धो के सोती हूँ रखती हूँ, क्योंकि ना बर्तन पहले दिन धो के रखती हूँ तो मेरा ये साफ हो जाता। अब मुझे ये साफ करना है एकदम, देखो बर्तन साफ पूरा, और ये देखो साफ हो गया है सारा। एकदम सारा बर्तन साफ हो गया है, तो अब मैं अब इनको साफ कर दूंगी, मतलब कब ये सूखे कपड़े से साफ करके फिर रखूंगी। तो बर्तन धो दिया मैंने सारा, और पीतल का बर्तन मैंने धोया नमक और नींबू से, और जो तांबे का लोटा है उसको धोया मैंने आटा और नींबू और नमक से। तो इस तरह से बर्तन अगर आप धोगे तो साफ रहेगा। एक तो मैंने कई दिन से बर्तन नहीं धो पाई थी तो इसलिए इतना गंदा हो गया था, और अभी डेली धोऊंगी, डेली साफ़ करूंगी, जैसे थोड़ा सा आधा एक टुकड़ा नींबू डाल के डेली साफ़ करूंगी, मेरा बर्तन ऐसे ही साफ़ रहेगा, तो अब तो साफ ही रहेगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट के साथ साथ मुझे बताना कैसे लगे। अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो मुझे कॉमेंट में बताना, हो कोशिश करूंगी आपकी मान को रखने के लिए। तो फिर मिलूंगी नया ब्लॉग के साथ, आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर मिलेंगे नया ब्लॉग के साथ, आज के लिए इतना ही।